एक बार की बात है, भारत के मध्य में बसे एक अनोखे गांव में दिवाली का त्योहार आते ही हवा उत्साह से भर जाती थी। पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं से ओतप्रोत बुजुर्गों ने इस विशेष अवसर के महत्व को साझा करने के लिए समुदाय को इकट्ठा किया। जैसे ही कार्तिक माह का 13वां दिन, जिसे त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है, निकट आया, ग्रामीणों ने बड़े उत्साह के साथ उत्सव की तैयारी की। प्रत्येक घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए गांव के चौराहे को रंगीन रंगोली, चावल के आटे से बनाए गए जटिल ज्यामितीय पैटर्न से सजाया गया था। हालांकि इस वर्ष एक मोड़ ग्रामीणों का इंतजार कर रहा था। परंपरागत रूप से इन जीवंत डिजाइनों को बनाना महिलाओं का कर्तव्य था, लेकिन आदर्श से एक सुखद बदलाव में दिवाली से पहले वाले महीने के लिए भूमिकाएं उलट दी गईं। पुरुषों ने उत्सुकता से जिम्मेदारी ली, सुबह जल्दी उठकर गांव के हर घर के दरवाजे की शोभा बढ़ाने वाले सुंदर पैटर्न बनाए। उत्सव की भावना केवल कलात्मक प्रयासों तक ही सीमित नहीं थी। सुबह सुबह ढोल की लयबद्ध थाप और पारंपरिक गीतों की मधुर धुनें गांव की गलियों में गूंज उठी। आम तौर पर अपनी सुबह की दिनचर्या में संयमित रहने वाले पुरुषों ने सड़कों पर गाने की जीवंत परंपरा को अपनाया, एक सदियों पुरानी प्रथा को पुनर्जीवित किया, जिसने सुबह की ताजा हवा में एक खुशी का स्वर जोड़ दिया। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती गई, ग्रामीणों ने तैयारियां तेज कर दी। त्योहार का महत्व इसकी सती चमक से परे समुदाय के बीच साझा किया गया था। स्वास्थ्य और कल्याण के देवता धन्वंतरी ने उनकी पूजा में केंद्र स्थान लिया। ग्रामीणों ने उस प्राचीन विज्ञान को समझा जो बदलते मौसम में उनका मार्गदर्शन करता था। सर्दी आते ही पर्यावरण में प्राकृतिक मंदी आ गई। ग्रामीणों ने अपने पूर्वजों की तरह अपने जीवन में जीवंतता लाकर इसका मुकाबला करने की आवश्यकता को पहचाना। दीपक केवल परंपरा के लिए नहीं जलाए गए, बल्कि इस मौसम में आने वाली मानसिक और शारीरिक सुस्ती को दूर करने के लिए एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में भी जलाए गए। और फिर दिवाली का दिन आया, जो धन्वंतरी को सम्मान देने और कल्याण के विज्ञान को अपनाने के लिए समर्पित दिन था। हवा आतिशबाजी की तेज आवाज से गूंज उठी, न केवल तमाशे के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक चेतावनी के रूप में। प्रकाश और ध्वनि के रूप में ऊर्जा का विस्फोट शारीरिक और मानसिक रूप से जीवंत और जीवित रहने के सामूहिक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने गांव को रोशन किया, घास का एक तिनका या एक छोटा सा कीड़ा भी गांव वालों से पहले अपनी गर्मी नहीं पा सका। यह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर संक्रामक ऊर्जा को जीवित रखने के लिए सर्दियों के महीनों का जीवंतता के साथ सामना करने की प्रतिबद्धता थी। इस गांव में दिवाली सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं था, यह जीवन का उत्सव था, प्रकृति और मानवता के बीच जटिल नृत्य की मान्यता थी। ग्रामीणों ने जीवन के आनंद का आनंद उठाया, यह जानते हुए कि धन्वंतरी की लौ को जीवित रखकर वे केवल एक त्योहार नहीं मना रहे थे, बल्कि एक शाश्वत परंपरा में भाग ले रहे थे जो उन्हें जीवन के सार से जोड़ती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे। इससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है।